रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले बहुत प्यारी अहदीस के साथ शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दुआ और झाड़ फूंक क्या तकदीर को टाल देती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तकदीर ही में दाखिल है। ये अहदीस तिर्मिजी की है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में शिकार होते हैं, परेशानियों में, जैसे आजकल जादू की साथ बहुत तेजी से चल रही है। जादू सफलीलम ये आप लोगों के साथ चलता है और ये नस्ल दर नस्ल है, तो ये भी तकदीर का एक हिस्सा है, इसकी भी काट की जाती है। जैसे बहुत से लोग ऐसे जहालत वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मेडिसिन खाने से या दुआ दारू करने से या फिर झाड़ फूंक करने से इसका क्या फायदा है? लेकिन अल्लाह पाक ने आखिरकार ये चीजें बनाई है कोई फायदे के लिए, इंसान के लिए बनाई है ना। तो कभी कभी इनसे भी आपका रابطہ होना चाहिए, कभी कभी इनसे भी आपका तल्लुक पड़ता है और आप अपने काम के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आज का जो अमली वज़ाइफ है, बहन और भाई जो मियां बीवी के रिश्तों में बंधे हुए हैं, उनके लिए ये अमल है। तालिब व मतलूब के लिए, तालिब तलब करने वाला, मतलूब जिसको तलब किया जाए। अगर दो आदमी या मियां बीवी या जिनका रिश्ता नहीं होता या जो घरों में परेशान बेटे हैं और या कोई भाई है और जो बहुत तकलीफ में हैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपने प्यारों को पाने के लिए, लाजिम नहीं कि इसको एक ही तरफ से देखा जाए। हर रिश्ते को एक मोहब्बत और मुखलिसी की ज़रूरत होती है और उसी तरह से हमें उसको देखना चाहिए। बहन भाई भी नाराज़ हो सकते हैं, मियाँ बीवी भी नाराज़ हो सकते हैं, माँ बाप बेटों से बेटियों से भी नाराज़ हो सकते हैं, बेटे बेटियाँ माँ बाप से भी नाराज़ हो सकती हैं। ये रिश्ते हैं और रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए, तो अगर कोई भी इन रिश्तों में कोई मसला हो, मोहब्बत का, चाहत का, हुब का, तो आप ये ज़रूर अमल करें। अगर कोई नाराज़ हो गया है तो एक गुलाब का फूल लें। सूरह कुरैश आपने 21 मरतबा उस पर पढ़कर दम करनी है और आप अपने प्यारों को वो तोहफे में दे सकते हैं। अगर आपका प्यारा बहुत दूर है, तालिब व मतलूब यानी बहुत दूर है, तो फिर आप ये जो अमल है, एक पानी का जग लें या ग्लास लें या पानी की बोतल ले लें, शीशे की बोतल ले लें, 41 मरतबा आपने ये अमल करके सूरह कुरैश आपने उसमें दम करना है, दम करके उसको पानी में छोड़ देना है। ये अमल 7 दिन का है, आप एक दफ़ा ज़रूर करें। आपका प्यारा कहीं पर भी होगा, लौट कर आपके पास आ जाएगा। जो बेटियाँ घरों में बैठी हैं जिनको तलाक हो गई है या भाई हैं परेशान हैं शादियों के बंदिश की वजह से, तो ये अमल 7 दिन ज़रूर करें। करना एक ही दफ़ा है, फूल को 7 दिन रहे अपने पास, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह आपका रिश्ता भी हो जाएगा, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। आपसे दिलों में जिस नाम से आप ये अमल दिल में रख के करेंगे, ठीक है? अब आप अमल में जब आप दिल में रखते हैं, उनमें ये चीज़ ना रखें कि आप एक फूल ले रहे हैं और उसमें 10 लोगों का अमल कर रहे हैं। अमल में गलती आप यहाँ से करते हैं। एक फूल एक अमल के लिए है, आप ये ज़रूर करें इंशाल्लाह। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा ज़हरा से मदद हासिल कर सकते हैं। आपकी बहन आपकी ज़रूर मदद करेगी। ये मदरसा है फातिमा ज़हरा ने बनाना। जज़ाकअल्लाह खैरा।